जो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको हम कह देते हैं आप बोलते हैं अपनी भाषा में कि वो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, असाक्षर है बहुत, अगर सुसंस्कृत शब्दों में अगर उसको कहा जाए, पहले जिनको हम कह देते थे अनपढ़ जाए कह देते थे, आजकल हम सभी सब जो है सुसंस्कृत है तो ये लगता है गाली जैसा शब्द हो जाता है उनके लिए, तो उनको भी सबको भी सम्मान नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ये संदेश है उनको असाक्षर जरूर करिए। अगर इन दो शब्दों का जिनका पहले मैंने बात रखी मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पसंद करूंगी, तो आज के बाद अगर कोई आपके समाज में आपके टोले मोहल्ले में मिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतने दिनों तक किस काम में लगे रहे कि आज भी अगर किसी को कोई अनपढ़ कह देता है तो अच्छा नहीं लगता। वो अनपढ़ नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है, वो बहुत कुछ समझता है। तो आज के दिन मेरा एक संदेश छोटा सा आप सभी विशेष रूप से छात्र छात्राओं को कि किसी को भी अगर कहिए अगर कोई नहीं पढ़ रहा है कि ये पढ़े लिखे नहीं है उनको असाक्षर कहिए, हमारा बहुत हद तक एक मकसद ये पूरा हो जाएगा, उनको भी हम सम्मान दे रहे हैं। अब असाक्षर क्यों कोई रह जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति रहती है कि कोई असाक्षर रह जाता है, नहीं पढ़ पाता है, माँ बाप ने नहीं ध्यान दिया, खुद ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द, मैं आपको बताऊँ कि मैं जहाँ रहती हूँ उसके इर्द गिर्द मेरे परिवार में मेरे घर में जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो असाक्षर हैं, और जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो कहीं ना कहीं आज वो ये समझते हैं कि ये मेरी गलती थी। पहले तो बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि माँ बाप की गलती थी, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, अपना इल्जाम दूसरे पे खटक देते हैं। लेकिन जब कहीं उनको प्रॉब्लम आता है, जब कहीं उनके सामने कोई समस्या आती है, तो उनका मन जरूर अंदर से बेचैन हो जाता है कि हम कहीं अलग रह गए, सोसाइटी जिस तेजी से बढ़ रही है वहां कहीं हम अलग रह गए। तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और अभी ये जो किताब आपके सामने प्रस्तुत की गई है, किताब है, आप सभी टेक्स्ट बुक पढ़ती होंगी, सर समझा रहे थे जैसे, मैं उसमें दो लाइन और जोड़ना चाहूंगी कि आपके बीएड का एक कोर्स होगा, पाठ्यक्रम होगा, होता है ना, क्यों, क्योंकि उस विषय के आप विशेषज्ञ बन जाइए, उस विषय को आप समझ जाइए, पढ़ने लायक हो जाइए और उसको जीवन में उतार सकिए। हम लोग भी जब बीएड करते थे तो यही बताया जाता था कि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको भावी जीवन में अगर आप शिक्षक हुए तो उन चीज़ों को आपको उतारना है। तो यहाँ भी जो आज साक्षरता दिवस हम मना रहे हैं, जो साक्षर लोग रह गए हैं उनको साक्षर बनाने की मुहिम जो 20-30 सालों से चल रही है, 50 वर्षों से चल रही है, आज यहाँ भी उनके लिए एक पाठ्यक्रम सोचा गया, शुरू दिन से सोचा गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कुछ भी उठा के उनको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला कितना, कहाँ से शुरू होती है हमारी ये पढ़ाई, 6 से 14 तक प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जहाँ खत्म होती है उसके बाद के लोगों के लिए जो छूट गए हैं, जो छिजित रह गए, जो स्कूल नहीं आ सके, पढ़ाई से रह गए अलग थलग, तो वैसे लोगों को 15 से ऊपर वाले लोगों के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा या वरिष्ठ शिक्षा या साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। तो बस 2 मिनट बैठ जाइए, ज्यादा नहीं, स्वामी जी को भी हम लोग सुना है, 2 मिनट होगी, ज्यादा नहीं, सबको घर जाना ही है। तो ये साक्षर जो है ये आपके इर्द गिर्द कहीं भी मिल जाएंगे, 15+ के लोग, और सर जैसा भी बता रहे थे कि आपका जैसे पाठ्यक्रम है उसी तरह से उनके लिए भी एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है, और वो पाठ्यक्रम 3 चीजों पर, बस मैं 3 मूल बातें कहूंगी, किसी भी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को या असाक्षर व्यक्ति को पढ़ाने के लिए अगर कभी आपकी इच्छा होती हो, और मेरा यह अनुरोध होगा कि आज के दिन मन में कहीं एक प्रण कर लीजिए, एक अपने से एक वादा कर लीजिए कि अगर ऐसे लोग मिले तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, हम लोग आपके लिए अलग से कोई व्यवस्था करेंगे, किताबें देंगे और क्या पढ़ाने की व्यवस्था, अगर कुछ इस तरह को हो पाता है तो कृपया अगर चाहेंगी कि हमारी संस्था आपको सहयोग करे, अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो पुस्तकें वगैरह या और जो भी चीज़ें जरूरत होंगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। कहीं अगर एक पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसको 3 चीज़ें, बस 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि वो हम उसको ध्यान में रखें, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो उनके पसंद की चीज है, जो उनके पसंद की चीज है, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं और जिसके लिए वो आकर्षित होते हैं, ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर हम उनके मूल मंत्र को जान जाए तो ये रामचरितमानस कितनी बढ़िया इस पर जो 11 दिनों में पढ़ाई है ये निश्चित रूप से उसको पूरा कर लेंगे। मान लीजिए कि मंदिरों में महिलाएं आती हैं, मैं देखती हूँ मंगल के दिन
पता चल रहा है। और वहाँ ये किताब इतनी कातर है, दूर से सोच नहीं होते इतनी ये कातर होगी ये किताब कि महिलाएं मैं देखती हूँ कि एक महिला खाली डायरी खोल के या जबानी दसों भक्ति गीत उनको याद हो और वो गाती रहती है। और यदि उनको मोटिवेट कर दिया जाए कि तुम इतनी भक्ति में डूबी हुई हो लेकिन कितनी खराब बात है कि तुम पढ़ना नहीं जानती हो, इस मंदिर में आ रही हो, इस अच्छा के संसार में राम जी सीता जी इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये वहाँ सबसे अधिक कारगर होगा क्योंकि उनका आकर्षण है, उनकी रुचि है, उनकी पसंद है। तो इन चीज़ों पर हम सबसे पहले हम जिस भाषा में या जिस चीज़ में हम किताब बनाते हैं तो हम ये विशेष ध्यान रखते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो 15 क्लास में चला गया और कहता है पढ़ लिख के क्या करेंगे, लेकिन उसका रुझान जो है 30 साल 35 साल के बाद देखिए कि जरूर धर्म की तरफ हो जाता है, वो धर्म की तरफ उसका ज़्यादा समय जाता है, वो ज़्यादा जाना चाहता है। वो अगर राम 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 सीता 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 अगर कोई कह रहा है और आप कहते हैं कि तुमको तो लिखना भी नहीं आता ऐसे बोलेगा क्या फ़ायदा, कहीं लिख कर सकता है कि हमको सिखाया नहीं गया। और वहाँ ये प्राइमर इतनी कारगर होगी, इतनी अच्छी साबित होगी कि जिस तेज़ी से लोग पढ़ेंगे उनकी इच्छा होगी जानने की कि जब राम जा गया तो सीता भी लिखना आ जाए, सीता पढ़ना आ जाए तो हनुमान भी पढ़ना आ जाए, शंकर भी पढ़ना आ जाए, शिव जी का नाम भी हमको लेना आ जाए, गणेश जी का नाम भी लिखना और लेना आ जाए। तो ये अपने अंदर की चाहत जैसे जैसे विकसित होगी उनकी प्रगति भी पढ़ने की वैसे ही होगी। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये किताब बनी है। और इतफाक से सर मैं ये बताऊँ कि जब बन रही थी तो अवधेश जी ने कभी ऐसे डिस्कस किया तो मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरह रहा, देखिए आज मुझे अच्छा लगा कि जैसे हनुमान जी का तो मैंने कहा था कि भाई जब राम और सीता है तो उसके बाद हनुमान आना चाहिए, तो तभी जाके हम कहीं कम्प्लीट डिस्प्ले आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आज इसको संपूर्णता में देखती हूँ और मुझे लगता है कि अभी मैं देख रही थी दूसरा पाठ राम और सीता, जय सीता राम। तो मैं बिल्कुल विस्मित हो गई, मैं सर से कह रही थी कि सिया राम सिया सिया राम राम सिया जय सिया जय सिया, मैं किस तरह से उसको रिदम में जो गाते हैं जैसे गाते हैं मुझे 10 पंक्तियां वैसी वहां दिख गई थी। तो जब मैं देख सकती हूँ, मैं रिदम में आ सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, तो जो रोज वहां लोग आ रहे हैं, जो उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं, जो पूरी जिंदगी एक राम के नाम पर जो है एक जिसको कहीं वैल्यूज के साथ जी रहे हैं उनके लिए पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बहुत एक चीज उसमें मेरा एक अनुरोध होगा कि सर अगर एक एक भक्ति गीत भी साथ में देते हैं हम लोग तो वो गाएंगे, वहाँ से तस्वीर में आएंगे और तस्वीर से भी पाठ करेंगे। तो ये बहुत एक कारगर जिसको कहीं अभ्यास हो जाएगा ये हमारा वो एक्सरसाइज कराने में भी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी सर, मैं शेयर करना चाहूँगी केरल का जो मेरे लिए एक नया ज्ञान देने वाला था। केरल से बहुत लोग अरब जाते हैं और अरब जाते हैं और वहाँ उनको अचानक अरबी का पढ़ने का जानने का बोलने का प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे सिख हो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो जो हो अरबी कोई नहीं जानता है, कोई भी बोलता नहीं है। तो केरला संस्कृति ने बड़ा यूनिक काम किया और इन सारे बैरियर्स को उसने तोड़ लिया। जो जैसे सर कह रहे थे हमारी तो बाध्यता है कि हम क्योंकि सरकारी लोग हैं तो यहाँ मंदिर की चर्चा न करो, यहाँ मस्जिद की चर्चा न करो, और करो तो सबकी चर्चा एक साथ करो, राम का नाम ना लो अल्लाह का नाम ना लो, ऐसे कुछ प्राइमर में हमारी बंदिशें हैं कि किसी एक धर्म का नाम आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम सेकुलर पुस्तक बना रहे हैं। तो हमारी बड़ी बाध्यताएँ हो जाती थी, हम बड़ा मन महसूस के कहीं रह जाते थे, लेकिन ये विद्यापीठ का प्रांगण जो है इन सब चीज़ों से आजाद है, ये काम कर सकता है। तो मैं केरल का उदाहरण दे रही थी कि केरला एसआरसी ने अलग से अपना प्रयास किया, सरकारी काम से अलग हटके वो आज तक प्राइमर एजेंसियर कमेटी में भी नहीं है, लेकिन कितनी कारगर प्राइमर है कि उसमें मौलवी और मुल्लाओं को कुछ अरबी जानने वालों को बुलाया गया और वो वर्कशॉप करती है कि अब आप बताइए कि जब केरल से जो धर्म जाते हैं तो क्या क्या शब्द हैं जिनसे उनको रूबरू होना पड़ता है और उसके आधार पर अच्छा धार्मिक लोग